जय भारत। आज हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु बनने की दिशा में प्रतिदिन नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। हम चांद और मंगल ग्रह तक पहुंचने की न केवल बात करते हैं बल्कि पहुंच भी चुके हैं, और यह संभव हो पाया है विज्ञान और वैज्ञानिकों के अथाह परिश्रम के बल पर। पर जरा सोचें, हमारे प्राचीन भारत के वो ऋषि मुनि कितने बड़े विज्ञान के ज्ञाता रहे होंगे कि उन्होंने उस काल में ही अपनी विद्वता के बल पर चांद तारों से आगे तारामंडल और आकाश गंगाओं तक की गणना कर डाली। सप्तऋषि तारामंडल को सात ऋषियों का नाम देकर उन्हें अमर बनाने का श्रेय हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता को ही जाता है। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि कोई आम साधारण मनुष्य नहीं थे, न ही वे किसी राजा या साहूकार के याचक या आश्रित थे, बल्कि वे अपने कालखंड के महान तपस्वी, गणितज्ञ, विद्वान व वेदों के ऐसे ज्ञाता थे जिनके समक्ष बड़े बड़े राजा भी नतमस्तक हो जाते थे और उनके दर्शन मात्र से ही स्वयं को सौभाग्यशाली समझते थे। तो बात सप्तऋषियों की हो रही है। यूं तो सभी के विषय में विस्तार से जानने के लिए हमें पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, परंतु संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, जिन चार वेदों को हम आज भी उतना ही प्रासंगिक मानते हैं जितना वो पहले थे, उन वेदों के मंत्रों की रचना इन्हीं सप्तऋषियों ने की थी। और महान ऋषि अगस्त्य उन्हीं सप्तऋषियों में से एक हैं जिनके विषय में आज यहाँ बात कर रहे हैं। महर्षि अगस्त्य योग एवं विज्ञान के ऐसे ज्ञाता थे जिनके जीवन काल के साथ जो मान्यताएं व किंवदंतियां जुड़ी हैं उनकी बात करें तो एक बड़ी श्रृंखला तैयार हो सकती है। कहा यह भी जाता है कि महर्षि अगस्त्य न सिर्फ राजा दशरथ के राजगुरु थे बल्कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण को ऐसा दिव्य तर्कश प्रदान किया था जिसके तीर कभी समाप्त नहीं होते थे। ऋषि अगस्त्य प्रथम आर्य ऋषि थे जिन्होंने आत्मकल्याण की तुलना में लोक कल्याण की भावना को अधिक महत्व दिया। कहा जाता है कि एक बार विंध्याचल पर्वत, जो कि ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे, उन्हें स्वयं पर बहुत अभिमान हो गया। अपनी शक्ति के बल पर उसने अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा ली कि सूरज की किरणें धरती पर पहुंचनी बंद हो गई और उसके कारण चारों दिशाओं में लोग त्राहिमाम कर उठे। तब देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से कहा कि वे अपने शिष्य को समझाएं। महर्षि तब विंध्याचल पर्वत के पास गए और कहा कि उन्हें दक्षिण की ओर तप करने जाना है, इसलिए वह उनके लिए रास्ता दे। शिष्य होने के नाते विंध्याचल महर्षि का बहुत सम्मान करता था, अतः तुरंत उनके चरणों में नतमस्तक होकर झुक गया। तब महर्षि ने कहा कि वे जब तक वापस नहीं लौटते वो यूं ही झुका रहे, और फिर वे पर्वत लांघकर दक्षिण की ओर चले गए और फिर कभी वापस लौटकर भी नहीं आए। फलस्वरूप विंध्याचल पर्वत चिरकाल से आज तक झुका हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि महर्षि अगस्त्य मानवता की सेवा हेतु किसी भी सीमा तक जा सकते थे। अपनी मंत्र शक्ति के बल पर तीन अंजुलियों में समुद्र की समस्त जल राशि को पी लेने वाले महर्षि अगस्त्य ही थे। माना जाता है कि दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा के जनक भी वही हैं। उन्होंने ही भगवान भोलेनाथ से तमिल भाषा का ज्ञान प्राप्त कर दक्षिण भारत में संगम की सभ्यता को स्थापित किया। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्राचीन काल में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों पवित्र नदियों की महत्वता थी, मगर यह तीनों ही नदियाँ उत्तर भारत में थी, यानी तब दक्षिण भारत में किसी पवित्र नदी के न होने से लोग इस सुख से वंचित थे। लोगों की भावनाओं को समझते हुए महर्षि अगस्त्य ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कावेरी नदी प्रदान की।
जिसे कमंडल में लेकर वे दक्षिण भारत आए और वहाँ उस जल को प्रवाहित किया, जिसके फलस्वरूप तब से आज तक कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी में अग्रणी मानी जाती है। ऋषि अगस्त्य ने यजुर्वेद के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने हेतु कई देशों की समुद्री यात्राएं की थी, जिसके साक्ष्य आज भी कंबोडिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों के शिलालेखों में देखे जा सकते हैं। महर्षि अगस्त्य की बात हो रही और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ अगस्त्य संहिता की बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ पर आज भी चर्चा होती है। इसकी प्राचीनता पर कई शोध हुए और इसे प्रामाणिक भी माना गया। इसका मूल कारण था इसमें वर्णित विद्युत उत्पादन के सूत्र। वे सूत्र जिनका लोहा आधुनिक युग के महान वैज्ञानिक एवं बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन भी मानते हैं, जिन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस श्लोक का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बल्ब बनाने में बहुत मदद मिली। अब जरा विचार करें कि जिस बल्ब का आविष्कार एडिसन ने 1879 में किया, उसी बल्ब के निर्माण विधि को 3000 ईसा पूर्व काशी में पैदा हुए ऋषि अगस्त्य ने अपने ग्रंथ में लिख दिया था। हम भारतवासियों के लिए यह गर्व की बात है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वेदों में जहां धातु के तार बनाकर उनका उपयोग करने का वर्णन है, वहीं पर कई जगह प्राचीन काल में ऊंचे उड़ने वाले गुब्बारे, पैराशूट, बिजली और बैटरी जैसे कई उपकरण की संरचना की व्याख्या भी दी गई है, जिसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि भारत के ऋषियों ने धर्म के साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया था। तत्कालीन समय में महर्षि अगस्त्य वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में अग्रणी वैदिक ऋषि थे, जिन्होंने अगस्त्य संहिता में विमान के संबंध में जानकारी देते हुए लिखा कि विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव। उन्होंने पैराशूट को वायुपूर्ण वस्त्र का नाम देते हुए उसके निर्माण की पूरी विधि का अपने श्लोकों में वर्णन किया। महर्षि अगस्त्य को कुंभोद्धव यानी बैटरी बोन भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अगस्त्य संहिता में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का पूरा विवरण देते हुए बताया है कि किस तरह बैटरी द्वारा सोना या चांदी पर पॉलिश की जाती है। ना सिर्फ आकाश में उड़ने वाले गुब्बारों के विमानों का उल्लेख महर्षि अगस्त्य के सूत्रों में मिलता है, बल्कि वे यह भी निर्देशित करते हैं कि उनका संचालन किस तकनीक से हो सकता है। ऐसे महान भारतीय योग विज्ञान ऋषि महर्षि अगस्त्य जी की भारतीय धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और वैज्ञानिक क्षेत्र में किए गए विकास के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। उनके किए गए सुकार्यों के लिए उनको हमारा शत शत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।